हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, क्लास थर्ड। इसका जो EVS चल रहा है हमारा, उसके हम चैप्टर फोर में आ गए हैं। चैप्टर फोर का नाम है गेम्स। गेम्स का मतलब खेल, आप जानते हो ना, अलग अलग खेल। तो वही खेल के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ऑल वर्क एंड नो प्ले, अगर हम पूरा काम करें और कुछ खेले नहीं। मेक जैक ए डल बॉय, तो जैक को वो क्या बना देगा, एक डल बॉय बना देगा। डल का मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता। हम पूरे दिन काम करें और क्या ना करें, खेले नहीं, तो हम कभी भी क्या नहीं बन सकते, होशियार नहीं बन सकते। तो हमें काम भी करना है, पढ़ना भी, और उसके साथ क्या करना है, खेलना भी है। तो इसलिए यही बोल रखा है कि अगर डल का मतलब यहाँ पे हो सकता है सुस्त। सुस्त का मतलब जो ढीला लड़का हो। अगर हम पूरे टाइम काम करें और खेले नहीं, तो हम कैसे बन जाएंगे, एक डल बॉय बन जाएंगे। दिस इज हाउ द सेइंग गोज। और ये जो बोल है, ये पुराने समय से ही बोला गया है कि कोई भी आदमी अगर काम करता है तो काम के साथ उसको खेलना पड़ता है। और डल का एक और हिंदी में बोल सकते हैं ढीला, यानी अगर वो खेलेगा नहीं तो वो क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। प्लेइंग हेल्प अस रिलैक्स अवर माइंड, अगर हम खेलते हैं तो वो हमारे माइंड को क्या करता है, रिलैक्स करता है। रिलैक्स का मतलब शांत भी बोल सकते हैं। रिलैक्स का मतलब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग बार बार क्या रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। तो रिलैक्स यानी हमारे माइंड को, रिलैक्स का मतलब आराम देता है। कौन आराम देता है, खेलते वक्त हमारे माइंड को क्या मिलता है, आराम मिलता है। इट इज़ गुड एक्सरसाइज फॉर आवर बॉडी, और ये हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, एक अच्छी कसरत या एक्सरसाइज होती है। इट कीप अस हेल्दी, और ये हमारे बॉडी को क्या रखता है, हेल्दी यानी स्वस्थ रखता है। एंड मेक अस फ्रेश एंड एक्टिव, और हमें क्या बनाता है, फ्रेश और एक्टिव। फ्रेश का मतलब हमें अच्छा महसूस करता है कि हमें बहुत बढ़िया लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, और उसके बाद हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं, यानी किसी भी काम को अच्छे से करने लग जाते हैं। एवरी वन लव्स टू प्ले गेम, और हर एक आदमी गेम को खेलना क्या करता है, लव करता है, यानी पसंद करता है। हर जना खेल को क्या करता है, पसंद करता है। वी ऑल लाइक टू प्ले विथ आवर फ्रेंड, हम सब हमारे दोस्त के साथ खेलना पसंद करते हैं। वॉट गेम डू यू लाइक टू प्ले, टिक द गेम दैट यू लाइक, इनमें से कौन सा गेम आपको खेलना पसंद है, आपको उस पर टिक करना है। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो उस पर टिक करना है, आपको ये पसंद है तो कैरम पसंद है तो टिक करना है, काइट उड़ाना पसंद है तो टिक करना है। आपको इनमें से जो भी पसंद है उस पर आपको क्या करना है, टिक करना है। लाइक यू टिया, रिया एंड तरुण ऑल्सो लव प्लेइंग, आपकी तरह ही टिया को, रिया को, तरुण को, इन सबको भी खेलना क्या है, बहुत पसंद है। तरुण प्लेस क्रिकेट एंड फुटबॉल, जो तरुण है वो क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है और फुटबॉल खेलता है। और ये कहाँ पे खेलता है, प्ले ग्राउंड में। प्ले ग्राउंड का मतलब खेल के मैदान में, क्योंकि क्रिकेट और फुटबॉल खेलने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, खेल मैदान में। खेल मैदान में वो क्या करता है, इनको खेलता है। टिया इज फाउंड ऑफ गेम्स, टिया को क्या पसंद है, कैरम खेलना, साइकिलिंग साइकिल चलाना, स्विमिंग, स्विमिंग का मतलब तैरना, स्विमिंग का मतलब क्या है, तैरना पसंद है उसको। कैरम खेलना, देखो ये बच्चे कैरम खेल रहे हैं ना, कैरम खेलना, साइकिल चलाना और स्विमिंग यानी तैरना पसंद है। प्लेइंग गेम्स ऑफ देयर चॉइस मेक देम रिलैक्स, अगर हम हमारे इच्छा का, चॉइस का मतलब इच्छा, हमारी इच्छा का अगर हम गेम खेलेंगे तो वो हमें क्या देगा, आराम देगा। रिलैक्स का मतलब आराम देगा, हमें खुश कर देगा, और हमें फ्रेश का मतलब तरोताज़ा ताज़ा बना देगा, और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम भी, हमारे कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं, हमारी पसंद का गेम खेलना पसंद करते हैं। हमें ताज़ा बना देगा या नया बना देगा, फ्रेश का मतलब नया भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब तरह के गेम्स हमें, तो द गेम्स वी प्ले आर यूजुअली टू काइंड्स, हम जो गेम खेलते हैं वो कितने तरह के हैं, दो तरह के हैं। एक है पहला इनडोर गेम, इनडोर गेम, इनडोर गेम्स का मतलब इन यानी अंदर, यानी जो अंदर खेलते हैं, आउटडोर, आउट यानी बाहर, आउटडोर गेम्स, आउटडोर का मतलब जो बाहर खेलते हैं। तो दो तरह के गेम्स होते हैं, एक तो इंडोर, इंडोर का मतलब घर के अंदर खेलते हैं, कमरे के अंदर खेलते हैं, हॉल के अंदर खेलते हैं, तो जो भी पैक रहेगा उसके अंदर खेलेंगे तो वो इंडोर गेम हो जाएगा, और जो बाहर खेलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, आउटडोर गेम बोलेंगे। तो हम देखते हैं अब इंडोर गेम कौन से हैं। तो सबसे पहला है इंडोर गेम्स,
गेम्स दैट कैन बी इजिली प्लेड इनसाइड ए हाउस, वो गेम जो हम घर के अंदर आसानी से, इजिली का मतलब आसानी से खेल सकते हैं, एंड डू नॉट रिक्वायर मच स्पेस, जिसको ज्यादा स्पेस का मतलब जगह की जरूरत नहीं हो, जिसको ज्यादा जगह की जरूरत नहीं हो, आर इंडोर गेम, ऐसे गेम्स को हम क्या बोलते हैं, इंडोर गेम्स बोलते हैं। सम कॉमन इंडोर गेम्स आर, कुछ इंडोर गेम्स के यहाँ नाम लिख रखे, लूडो, चेस, देखो ये रहा चेस, कैरम, ये रहा कैरम, कार्ड्स वाले गेम खेलते हैं बहुत सारे, टेबल टेनिस, ये देखो ये टेबल टेनिस खेल रहे हैं, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स, ऐसे बहुत सारे गेम है जो टेबल, जैसे आपने देखा होगा ना एक गोल सी बॉल आती है उसको डंडे से मारते हैं, स्नूकर्स, बिलियर्ड, है ना, ये सारे गेमों को क्या करते हैं, अंदर ही खेला जाता है। वी कैन प्ले दिस विथ अवर फैमिली मेंबर, हम हमारे परिवार के मेंबर्स के साथ इन गेम्स को क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। आपके परिवार में आपके भाई बहन, आपकी मम्मी पापा, जो भी रिश्तेदार है उनके साथ आप ये गेम खेल सकते हैं, एंड स्पेंड सम टाइम विद देम, और उनके साथ समय को बिता सकते हो। स्पेंड सम टाइम का मतलब समय बिता सकते हो। सम टाइम चिल्ड्रन लव टू प्ले वीडियो गेम, कई बार बच्चे क्या पसंद करते हैं, वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, और कंप्यूटर में भी गेम खेलना या मोबाइल में भी, आजकल किस में खेलते हैं, मोबाइल में भी बच्चे क्या पसंद करते हैं, गेम खेलना पसंद करते हैं, विद इन देयर होम्स, और वो घर पे ही खेलते हैं। गर्ल्स प्ले विद डॉल, जो लड़कियां हैं वो किससे खेलती है, डॉल यानी गुड़िया से खेलती है, एंड बॉयज विद टॉयज, और बॉयज किससे खेलते हैं, खिलौनों से खेलते हैं ना, खिलौने से खेलते हैं, यानी अलग अलग कार आती है, एक रिमोट वाली गाड़ियां आती है, लड़कियां डॉल से खेलती है, कंप्यूटर गेम्स, ये सब घर पे बैठ के हम लोग क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो जो घर पे बैठ के खेले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंडोर गेम, क्या बोलते हैं, इंडोर गेम, क्या बोलते हैं, इंडोर गेम। अगला है आउटडोर गेम, अब आउटडोर गेम वो होते हैं जिनको हम घर के अंदर नहीं खेल सकते, जिनको हमें क्या खेलना पड़ता है, घर के बाहर ही खेलना पड़ता है। द गेम्स विच रिक्वायर ए लॉट ऑफ स्पेस, यानी वो गेम जिनको खेलने के लिए बहुत ज्यादा क्या चाहिए, जगह चाहिए, एंड कैन नॉट बी प्लेड एट होम, और इसको हम कहाँ नहीं खेल सकते, घर पे नहीं खेल सकते, आर कॉल्ड आउटडोर गेम, ऐसे गेम को क्या बोलते हैं, आउटडोर गेम बोलते हैं, ऐसे गेम जिसको खेलने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए और जिनको हम घर पे नहीं खेल सकते, ऐसे गेम को क्या बोलते हैं, आउटडोर गेम, जैसे क्रिकेट, सॉकर यानी फुटबॉल, फिर उसके बाद बास्केटबॉल, ठीक है, फिर हॉकी, बैडमिंटन, ये है हॉकी, है ना, ये बैडमिंटन, है ना, ये वॉलीबॉल, ये क्रिकेट, ये सारे कहाँ खेलने पड़ते हैं, बाहर खेलने पड़ते हैं। हमारे देश का नेशनल गेम कौन सा है, हॉकी, यानी हमारे देश का नेशनल गेम है ये, कौन सा गेम है, हॉकी, HOCK, इवन सब ये सारे कौन से गेम है, आउटडोर गेम है। दे आर ए गुड एक्सरसाइज, अगर हम बाहर आउटडोर गेम खेलेंगे तो हमारी अच्छी एक्सरसाइज होगी, यानी कसरत होगी, क्योंकि अंदर तो हम बैठ के खेलेंगे तो कोई एक्सरसाइज नहीं होगी, एंड हेल्प अस अवर बॉडी फिट, और ये हमारी बॉडी को क्या करेगा, फिट बनाएगा, यानी तंदुरुस्त बनाएगा। तो बाहर वाले गेम हमें क्या बनाते हैं, फिट बनाते हैं। तो यहाँ तक हमने चैप्टर को पढ़ लिया है, तो आज आप इस चैप्टर को यहाँ तक क्या करना, कंप्लीट करना, और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।